Hello and welcome to 30 mein 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Ek aisa show jahan khabrein hongi fatafat, yani ek ke baad ek 30 khabrein. To intezar kis baat ka? Let's take a look. 30 khabrein fatafat. शाहिद और मीरा लौट आए छुट्टियों से। जूम ने शाहिद और मीरा को कैप्चर किया मुंबई एयरपोर्ट पर और यहां पहली बार मीरा का बेबी बम्प आया नजर। कुछ दिनों पहले ही शाहिद ने किया था ये एक्सेप्ट कि वो बनने वाले हैं पापा, और इस बेबी बम्प ने साफ कर दिया है कि जल्द ही शाहिद के घर में गूंजने वाली है नन्ही किलकारी। 30 खबरें फटाफट। हाउसफुल 3 का नया गाना टांग उठा के हुआ मुंबई में लॉन्च, और इस मौके पर अक्षय और जैकलीन ने किया जमकर डांस और किया एंटरटेन, और बाद में मीका ने भी मिलाए इनके साथ कदम ताल। 30 खबरें फटाफट। बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर अपने हनीमून के लिए गए हैं मालदीव्स, और मालदीव्स जाने से पहले जूम ने किया इन्हें कैप्चर, जहां करण और बिपाशा ने की हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत। Sorry, we're getting late. We're going straight to the airport. So we're going to Maldives. See you guys. Thank you. See ya. Bye. Thank you for all your wishes. Thank you. 30 khabrein fatafat. टाइगर श्रद्धा स्टार अब आगे हो गई है सुपरहिट। फिल्म की इस कामयाबी से टाइगर और श्रद्धा हैं बेहद खुश, और इन दोनों ने हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बांटी ये खुशी। You can't help but when people around you are talking and saying, you know, your film is doing this. So even if you would like, because people get so excited, which I think is great. I think excitement is a wonderful thing to have. And I think that, you know, especially when everyone's worked so hard, then I feel like, you know, celebrations are deserved. But I don't know anything about the business of filmmaking. I'm very happy to be in front of the camera and very happy to be shooting for the movies that I do, and have my fingers crossed that my movies do well. It's all about public acceptance, and more than numbers, it's my mother and father. It's my director and my producer, and you know, they're a team if they're, you know, it's their happiness that, you know, that counts for me, because we put in so much sweat and blood behind all our work, you know, especially a film like Baghi took so much from us. So just to get all the love back, that's what we really crave. And when you go, like when Shraddha and I went to the theater and we heard the audience's whistle, and you know, that was our high, you know. Yeah. 30 khabrein fatafat. अक्षय ने अपना डांस तो दिखाया ही, बल्कि अपनी सिंगिंग का जादू भी दिखाया। जी हाँ, जब स्टेज पर मीका सिंह ने टांग उठा के गाना गाया तो उनके साथ सुर में सुर मिला रहे थे खिलाड़ी कुमार। 30 खबरें फटाफट। सोनम कपूर हो गई हैं कान फिल्म फेस्टिवल के लिए रवाना। जूम ने सोनम को मुंबई एयरपोर्ट पर कान जाते वक्त किया कैप्चर, और जाननी चाहिए उनसे उनकी एक्साइटमेंट। I'm just excited to go. Thank you so much for coming. Later on the show, Deepika ko kyun leni pad rahi hai gun chalane ki training. 30 khabrein fatafat. हाउसफुल की पूरी स्टारकास्ट इस गाने को लेकर थी बेहद एक्साइटेड। तभी तो देखिए ना, स्टेज छोड़ कर फैंस के बीच पहुंच गए ये स्टार्स और करने लगे डांस। 30 खबरें फटाफट। ऋतिक और कंगना के वॉर पर अक्षय कुमार ने ली चुटकी। दरअसल जब जूम की रिपोर्टर ने अक्षय से पूछा कि ऋतिक कंगना के वॉर पर उन्हें क्या कहना है, तो देखिए कैसे मजाकिया अंदाज में दिया अक्की ने जवाब। बहुत बड़ा वॉर चल रहा है ऋतिक और कंगना के बीच में, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आप लोग इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, बॉलीवुड में कहाँ चल रहा है, मेरी बिल्डिंग में चल रहा है। खबरें फटाफट।
ऋतिक कंगना के इस वॉर पर अक्षय ने तो मीडिया को ही ठहरा दिया जिम्मेदार। अक्की ने कह दिया कि मीडिया ले रही है इस वॉर के मजे, जिस पर जूम की रिपोर्टर ज्योति ने अक्की से कन्फ्रंट भी किया और उन्हें बताया कि कैसे ऋतिक और कंगना ने की है इसकी शुरुआत, न कि मीडिया ने। हम तो यही चाहेंगे कि सब कुछ खत्म हो जाए, अच्छी तरह सब ठीक हो जाए। दैट इज व्हाट द होल थिंग इज, यू नो, बिकॉज़ वॉर कितना देर चलेगा, आप लोग सब मजे लूट रहे हैं इसके, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। एंड आई थिंक हमें से द टाइम विल कम नाउ, इट हैज टू स्टॉप नाउ, एवरीथिंग वी जस्ट ऑल होप फॉर दैट एंड दैट्स इट। अभिषेक, मैं सहमत हूँ उनसे। एक्चुअली हम मजे नहीं, सामने पब्लिक से प्लेटफॉर्म पे उन्होंने लाया है, इसकी वजह से सब सवाल कर रहे हैं। तो बस मुझे तो ये लग रहा है ना, मेरा इंटरव्यू आप ले रहे हैं ना, मैं अपना बोलूंगा। 30 खबरें फटाफट। हाल ही में अक्षय कुमार के बॉडीगार्ड ने उठा दिया था एक फैन पर हाथ और इस बारे में अक्की ने ट्विटर पर मांगी थी माफी। और जब यही सवाल अक्की से पूछा गया तो वो अपने बॉडीगार्ड को डिफेंड करते हुए आए नजर। हाथ उठाना गलत बात है, लेकिन उनका भी कभी कभी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो चीज देख रहे होते हैं। जैसे कि अभी मैं हाल ही में, अभी की नहीं, करीबन दो ढाई साल तीन साल पहले की बात है, तो मैं बहुत सारे लोग थे उनसे हाथ मिला रहा था, एंड सडनली आई फाउंड कि मेरा हाथ है ना, इट वॉज ब्लीडिंग, तो मैं पूरे हाथ में खून खून हो गया था। एंड देन आई रियलाइज कि किसी ने अपने नाखून के बीच में ब्लेड रखा हुआ था, तो हाथ मिलाते मिलाते हाथ कट गया, काट दिया मेरा हाथ। तो चाहे वो पागलपना हो या बेवकूफ़ी हो या फैनपना हो, तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, हालांकि जब जो मेरे बॉडीगार्ड ने किया वो गलत था, वो मैंने उसके लिए माफ़ी मांगी, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक्टर्स होते हैं, दे डोंट रियलाइज दे आर वॉकिंग, दे डोंट अंडरस्टैंड इट, और कभी कभी चोट आ सकती है। कई हीरोइनों के साथ मैंने देखा है, बहुत सारे गलत गलत चीज़ें हो जाती हैं एक्टर्स के साथ देखा है। सो दे आर देयर टू जस्ट टेक केयर ऑफ इट। यस, बिल्कुल, हाथ उठाना गलत बात है, एंड दैट आई मेक श्योर दैट इट डजंट हैपन अगेन। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा ने कुछ समय पहले ही की थी यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा और फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स मिशेल ओबामा के साथ खास मुलाकात, और इस खास मुलाकात के बारे में हमें बताया प्रियंका चोपड़ा की मॉम मधु चोपड़ा ने। इट वाज अ ग्रेट थिंग दैट शी कुड हैव एन इंडिविजुअल टेट-अ-टेट कन्वर्सेशन उनके साथ, और प्लस स्पेशली मिशेल के साथ, दोनों का कॉमन एजेंडाज थे, दे फाउंड ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन के फिलैंथ्रोपी काफ़ी करती है प्रियंका, तो लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा करती है और सोचती हूँ उनके एम्पावरमेंट के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शी डज दैट ऑन दैट इंडिविजुअल लेवल। वहाँ मिशेल के साथ, मिशेल ओबामा के साथ उनकी बात हुई, तो दोनों ने तय किया कि हम सपोर्ट करेंगे एक दूसरे के कॉज को, तो दैट वॉज वेरी गुड। 30 खबरें फटाफट। ये है करीना कपूर का लेटेस्ट लुक, जो एक लेटेस्ट ब्रांड शूट के लिए है। करीना के इस लेटेस्ट लुक को अपने सोशल हैंडल पर शेयर किया है मनीष मल्होत्रा ने। इस शिमरिंग गाउन में करीना लग रही हैं बेहद खूबसूरत। 30 खबरें फटाफट। पिछले काफी समय से इंडिया से दूर यूएस में शूटिंग कर रही प्रियंका चोपड़ा दूर रहकर भी नहीं है अपनी मॉम से दूर। जूम से एक्सक्लूसिवली चिट चैट के दौरान मधु चोपड़ा ने बताया कि कैसे रोज रात प्रियंका करती हैं उनसे ढेरों बातें। हमारे रोज रात को बात होती है, कम्युनिकेट अ लॉट, अपना वहाँ के हालत बताती हूँ मुझे और मैं यहाँ की बताती हूँ, एंड वी शेयर। 30 खबरें फटाफट। अपनी अपकमिंग फिल्म सरबजीत को प्रमोट करने में ऐश्वर्या नहीं छोड़ रही हैं कोई कसर। रिसेंटली ऐश्वर्या को स्पॉट किया गया मुंबई एयरपोर्ट पर, जहां वो अपनी फिल्म सरबजीत के प्रमोशन के लिए अहमदाबाद जा रही थी। बनारस साड़ी और गजरे में ऐश्वर्या लग रही थी गॉर्जियस। 30 खबरें फटाफट। माधुरी दीक्षित नजर आई अपने दोनों बेटों और हबी के साथ एक प्ले देखते हुए। अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही माधुरी ने नहीं की यहाँ मीडिया से कोई बात। 30 खबरें फटाफट।
अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म ट्रिपल एक्स की टोरंटो में शूटिंग कर रही दीपिका पादुकोण आजकल गन चलाना सीख रही हैं। अपनी हॉलीवुड फिल्म ट्रिपल एक्स के क्लाइमैक्स में दीपिका गन यूज करती दिखने वाली हैं, जिसके लिए वो रियल लाइफ मिलिट्री पर्सनल से ट्रेनिंग ले रही हैं। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान और अबराम खान को स्पॉट किया गया मुंबई एयरपोर्ट पर, जहां क्यूट अबराम सो रहे थे एसआरके की गोद में। रिसेंटली एसआरके अबराम के साथ अपनी क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच देखने पहुंचे थे और तस्वीरें वहीं से वापस मुंबई आने की हैं। 30 खबरें फटाफट। फिल्म किक में सलमान के साथ काम कर चुकी जैकलीन ने रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान सलमान के साथ अपनी बॉन्डिंग के बारे में बताया। जैकलीन के मुताबिक सलमान उनके साथ ब्लेटेंटली ऑनेस्ट हैं, जहां वो जैकलीन को क्रिटिसाइज करते हैं वहीं उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स भी देते हैं। 30 खबरें फटाफट। एक प्ले देखने पहुंची एकता कपूर हो गई नॉस्टैल्जिक और उन्होंने मीडिया के साथ शेयर की अपनी चाइल्डहुड मेमोरी। I mean, film to of course, Jungle Book of course, we've been big fans of everything that Disney has done. And I think growing up with Disney and then seeing this play brings back all childhood memories. 30 खबरें फटाफट। शिल्पा शेट्टी राजकुंद्रा नजर आए अपने बेटे वियान राजकुंद्रा के साथ। यहां वियान राजकुंद्रा ने किया मीडिया से पहली बार इंटरैक्ट। जी हां, अपनी मॉम शिल्पा के साथ प्ले देखने पहुंचे वियान ने मीडिया के साथ की पहली बार बात। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरे बेटे को बहुत पसंद आया। वियान, यू लाइक द ब्यूटी एंड द बीस्ट? से व्हाट्स द ब्यूटी एंड द बीस्ट? व्हाट्स द ब्यूटी एंड द बीस्ट? 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, रणबीर कपूर ने क्यों छीना एक फोटोग्राफर का मोबाइल? तीस खबरें फटाफट। रणबीर कपूर के गुस्से का शिकार फिर से बना एक फोटोग्राफर। जी हां, सोर्सेस की माने तो रिसेंटली एक फोटोग्राफर ने रणबीर कपूर को अपने मोबाइल कैमरा में कैप्चर करने की कोशिश की और जैसे ही रणबीर ने इस फोटोग्राफर को देखा वो गुस्से में उस फोटोग्राफर के पास आए और उनका मोबाइल छीनकर वहां से चले गए। साफ है दिन ब दिन रणबीर का गुस्सा पेपराजी को लेकर कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। 30 खबरें फटाफट। ऋतिक रोशन कंगना से लीगल कंट्रोवर्सी के बाद अब कुछ वक्त तक मीडिया में बिल्कुल नहीं आना चाहते। यही वजह है कि उन्होंने अपनी फिल्म काबिल के सेट पर स्ट्रिक्टली किसी को भी पिक्चर क्लिक करने से मना कर दिया है। ऋतिक ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि कोई भी फिल्म के सेट पर पिक्चर्स क्लिक नहीं करेगा। 30 खबरें फटाफट। सोर्सेस की माने तो मलाइका अरोरा खान अर्जुन के साथ अपनी अफेयर की अलेजेड खबरों को लेकर पेपराजी से काफी ज्यादा नाराज हैं। ऐसे में सोर्सेस की माने तो मलाइका ने अपने कुछ करीबियों से कहा है कि वो इस तरह के अफवाहों में कोई कमेंट नहीं करेंगी क्योंकि वो इस तरह की अफवाहों को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहती हैं। 30 खबरें फटाफट। जूम को सोर्सेस से खबर मिली है कि अंकिता लोखंडे अब उस घर में नहीं रहना चाहती जहां वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहती थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि अंकिता अपने लिए एक नए आशियाने की तलाश में हैं और वो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक नया घर ढूंढ भी रही हैं। 30 खबरें फटाफट। फिल्म जग्गा जासूस के सेट पर अभी भी रणबीर कटरीना के बीच नहीं हो रही है कोई भी बात, जिसे लेकर अनुराग बासु है काफी ज्यादा परेशान। सोर्सेस की माने तो रिसेंटली एक डांस सीक्वेंस की शूटिंग के लिए दोनों को साथ में रिहर्सल करना था, लेकिन रणबीर ने अलग और कैट ने अलग सॉन्ग की रिहर्सल्स की। 30 खबरें फटाफट।
जिया खान केस में हुए अचानक न्यू डेवलपमेंट्स के बाद सूरज पंचोली मीडिया को कर रहे हैं अवॉइड। खबरों की माने तो रिसेंटली सूरज एक थिएटर में फिल्म देख रहे थे और उन्हें जैसे ही पता चला कि मीडिया बाहर उनका इंतजार कर रही है, सूरज फिल्म के इंटरवल के दौरान ही थिएटर के बैक गेट से निकल गए। साफ है सूरज मीडिया से बात करके फिलहाल और कोई कॉन्ट्रोवर्सी मोल नहीं लेना चाहते। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो करण जौहर अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर छुट्टियां मनाने ऑस्ट्रिया रवाना हो गए हैं। कहा जा रहा है कि रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा के रेकमेंडेशन पर करण जौहर ऑस्ट्रिया के एक स्पेशल रिजॉर्ट में रुकने वाले हैं, जहां रानी और आदित्य ने हाल ही में टाइम स्पेंड किया था। 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि वो अपनी सिस्टर करिश्मा को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव तो हैं, लेकिन उनके हस्बैंड सैफ अली खान उनकी फैमिली और सिस्टर को लेकर सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं और ये उनके लिए बहुत खुशी की बात है। 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा का कहना है कि उन्हें अभी भी अपनी मॉम से लगता है काफी ज्यादा डर। सोनाक्षी का कहना है कि अगर अभी उनसे कोई गलती हो जाती है तो उनकी मॉम उन्हें डांटती हैं। ऐसे में वो कुछ भी करने से पहले अपनी मॉम से परमिशन जरूर लेती हैं। 30 खबरें फटाफट। एक्टर संजय दत्त के बायोपिक को रणबीर कपूर ने साइन तो कर लिया है, लेकिन अब संजय दत्त का कहना है कि रणबीर कपूर के लिए ये रोल कभी आसान नहीं होगा, क्योंकि ये रोल काफी फिजिकली डिमांडिंग है और रणबीर को इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। 30% एक्स्ट्रा। लगता है अयान कटरीना के साथ पैचअप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, खबर है कि अयान मुखर्जी ने करण जौहर की नेक्स्ट अपकमिंग फिल्म के लिए कटरीना कैफ का नाम रेकमेंड किया है। दरअसल बीच में खबरें आई थी कि रणबीर से अलग होने के बाद कैट और अयान के रिश्ते भी बिगड़ गए हैं। हालांकि अयान ने ऐसी खबरों को बकवास बता दिया है, लेकिन करण की फिल्म के लिए कटरीना का नाम सजेस्ट करके अयान ने प्रूव कर दिया है कि वो अपने और कटरीना के बिगड़े रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। 30% एक्स्ट्रा। सलमान खान की फिल्म सुल्तान के सेट से एक और पिक्चर लीक हुई है। इस पिक्चर में सलमान हरियाणा के एक रेलवे स्टेशन के पास स्कूटर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। 30 खबरें फटाफट।